शहर के बड़े अस्पतालों में बच्चों के अगवा की वारदातें ना रुक सकीं। जिना अस्पताल से नामालूम खातून बच्चा अगवा करके फरार, पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। शहबाज शरीफ दौर का एक और कारनामा बेनकाब, खजाने को अरबों का नुकसान। गैर कानूनी तौर पर 35 अरब 70 करोड़ रुपए कमर्शियल बैंकों में रखे जाने का इंकशाफ। तमाम फंड्स मुख्तलिफ बैंकों में 1200 से जायद अकाउंट खोलकर मुंतकिल किए गए। फंड्स कहाँ इस्तेमाल हुए, महकमा खजाना ने मामलात छुपाने की कोशिशें शुरू कर दी। और नए पाकिस्तान के साथ नए पंजाब की तैयारी भी शुरू। गवर्नर रफीक रजवाना ने 15 अगस्त को पंजाब असेंबली के इजलास की मंजूरी दे दी। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। इजलास की समरी निगरान सूबाई वजीर कानून ने गवर्नर को इरसाल की थी।